अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपने पीछे आपको दिखाता हूं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40% सीटें महिलाओं को दी थी, तो ऐसे में जो उनकी तमाम महिला प्रत्याशी थी उनके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे एकत्र हुई हैं। मैं इनसे बात भी करूँगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है। प्रियंका जी ने उनकी अगुवाई में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हम कैसा लग रहा है? हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ आने के लिए। हम लोग सुबह से चले हुए हैं यहाँ। हम लोग विधानसभा 29 कुंदरकी से आए हैं, तो हमें यहाँ आकर अभी तो अच्छा लग रहा है। जब उनको देख लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैम, कहा ये जा रहा है कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस का साथ दिया है, प्रियंका गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आप लोग चली हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इंशाल्लाह नतीजे अच्छे ही आएंगे, पूरी उम्मीद है। तो कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलेंगी और कांग्रेस के अच्छे नतीजे आएंगे इस बार। कैसी ऊर्जा लग रही है? कैसा ऊर्जा है आज? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है आज। बहुत अच्छा फील हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ आने के बाद में। जैसे कि देखा कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। क्या कहना चाहेंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आन के, कुछ ज़्यादा ही। और सोनिया प्रियंका गांधी को देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। हम उन्हें देखने की वजह से आए यहाँ। मैम, जब सवाल आता है महिलाओं का, तो प्रियंका गांधी ने जो 40% सीटें आपको दी हैं, पिछली सरकारों में आपको लगता है कि मैम कैसा माहौल रहा होगा? पिछली सरकारों में ऐसा माहौल नहीं रहा है जैसा माहौल अब के रहा है। और जो सीटें मिली हैं महिलाएं इससे बहुत खुश हैं, इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं चाहती हैं कि प्रियंका गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उनको आगे लेकर जाएं, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो कुल मिला के लखनऊ के 1090 चौराहे की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। दूर जहाँ तक नजर जाएगी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे एकत्र हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है, तो ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश से महिलाएं आज शामिल हुई हैं, क्योंकि मौका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। मैम, क्या लग रहा है इस बार 40% सीटें प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के नाम की थी, महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैम कैसा लग रहा है? देखिए, हम महिलाओं का उत्साह इतना बढ़ा है कि जब से प्रियंका दीदी आई हैं, 40% आरक्षण किया है, जब से महिलाएं घर से बाहर निकल पड़ी हैं। और अगर इस बार नहीं तो 24 तक बिल्कुल हम लोग पूरी सीट यहां से दिल्ली तक कब्जा कर लेंगे। मैम, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज कांग्रेस द्वारा महिला दिवस पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैम कैसा लग रहा है, कैसी ऊर्जा है? ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा है ना। महिलाओं को देख रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड मुझे लगता है कि लड़कियां हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कर सकती हैं। विजय बाबूलाल के साथ उमंग पांडे, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।